जिंदगी की नाव जब मुश्किलों में हिचकोले खाए तो पवन, ब्रिज और अशोक की तरह बन जाना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनसे सीखा जा सकता है, तो जवाब है खेती। लेकिन खेती तो सब करते हैं, इसमें नया क्या है? तो नया ये है कि ये किसान टापू पर खेती कर रहे हैं। जब आजीविका का साधन नहीं मिला और गुजारा मुश्किल हुआ तो पवन, ब्रिज और अशोक जैसे 80 परिवारों ने डांडपारा टापू पर खेती करना शुरू कर दिया। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि इन्हें सारे काम नाव से करने पड़ते थे, यानी कि हर बार डबल मेहनत। अब यहाँ आने के लिए तो नाव में पार होते हैं सब लोग, हल वाल लेकर आते हैं, भैंसा बैला उसी में यहाँ खेती करते हैं। और फागुन चैत्र का महीना में ना शुरू कर देते हैं जोताई यहाँ का, आषाढ़ सावन तक हल जोताई करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये टापू बना कैसे? तो करीब 2 दशक पहले कोरबा के जिला मुख्यालय से भी लगभग 25 किलोमीटर दूर कटघोरा विकास खंड के डांडपारा के लघु और सीमांत किसानों को हसदेव नदी ने ये टापू उपहार में दिया था। ये टापू नियमित अंतराल पर नदी में बाढ़ से बहकर आने वाली मिट्टी और नदी का जलस्तर कम होने से बना है। जिस वक्त खेती पर जमीन पर रिहायशी कॉलोनियां बस गई थी और इन सबके सामने पेट पालने का संकट था, उस वक्त 80 परिवारों के लिए ये टापू जिंदगी गुजारने का साधन बन गया। पहली नदिया रही से है, छोटे नरवा का नरवा नहीं माने ये चरही से पूरा नदिया, तो बाढ़ आता ना धीरे धीरे मिट्टी जमत 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 जम के ऊपर पहले नदी थी, यहाँ बाढ़ आते आते मिट्टी जम गई जिससे ये ऊपर हो गया है। हमारे गांव में खेती नहीं है, पूरा डुबान में है, कॉलोनियां बन गई हैं, यहाँ पूरा गांव खेती करता है, यहाँ पर लगभग 80 घर हैं। है खेती करते हैं हमारे यहाँ के, मतलब यहाँ पूरा गांव भर के मन करते हैं, यहाँ लगभग 80 घर है। डांडपारा टापू पर धान की खेती तो होती है, लोग मछली पालन भी करते हैं और नाव चलाने की कला तो जैसे इन्हें विरासत में मिली हो। वे नाव के सहारे ही टापू पर पहुंचते हैं, खेती का सामान भी नाव से पहुंचाते हैं और जब फसल पक जाती है तो काट कर वापस भी इसी से लाते हैं। ये किसान इतना धान उपजा लेते हैं जिससे साल भर उनके सामने पेट भरने का संकट ना खड़ा हो। धान को काटने के बाद वापस नाव से ही ले जाते हैं, अब गाड़ी वाड़ी तो पार नहीं होता, पुल रहता तो कुछ सहायता भी मिल जाता, तो नाव से ही पार करते हैं। इन किसानों ने खुद का पंजीयन धान खरीदी के लिए नहीं कराया है, जबकि कोरबा जिले में इस वर्ष धान बेचने के लिए कुल 32,500 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। इसके पीछे एक वजह ये भी है कि ये किसान अपना ज्यादा धान बेचते नहीं हैं, सिर्फ अपने गुजारे के लिए रखते हैं। लेकिन कुछ ने जब पंजीयन कराने की कोशिश भी की तो रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। इसमें शासन के निर्देश पर जो है जितने भी गिरदावली वाले जो किसान थे और भुइयां सॉफ्टवेयर से इस बार जो है उनको लिंक कर दिया गया था और उसी के आधार पर जो है पंजीयन की कार्यवाही इस बार की गई है। भले ही ये 80 परिवार अपनी गुजर बसर के लिए टापू पर खेती करते हों, लेकिन अगर इनकी बेहतरी के लिए मुनाफा बढ़ाकर इनका जीवन स्तर सुधारने के लिए कोई सरकारी कोशिश हो जाए तो इनका जीवन स्तर सुधर जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी भारत। चौबीसों घंटे लगातार खबरें देखने के लिए डाउनलोड करें ईटीवी भारत ऐप।